फैकर ये एक हॉरर ड्रामा थ्रिलर मूवी है जो कि लगभग 1.5 घंटे की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्मी रेट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं मूवी की कहानी की, तो मूवी की जो कहानी है वो फोकस करती है एक फैमिली के ऊपर जो कि एक कैंपिंग करने जाती है और कैंपिंग करने के बाद में एक गाँव के अंदर फंस जाती है। यानी कि जब वो उस गाँव के अंदर फंसते हैं तो गाँव में उनके साथ में कुछ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो अजीब अजीब चीज़ें क्या होती है और क्या क्या उनके साथ में होता है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, मूवी जिस तरीके से शुरू होगी ना, शुरू में एक बहुत ही अजीब तरीके का सीन दिखाया जाएगा। उसे शायद ही हो सकता कि आप देख पाओ, मैं उस सीन को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। उसके बाद मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है, आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। यानी कि आपको इस मूवी के अंदर बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और मूवी जब अपने सेकंड हाफ में आती है तो आपको कुछ कुछ सीन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर आएगा, लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत बकवास है। मूवी की जो कहानी है वो बिल्कुल ही वाहियात है, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला। जितने भी कैरेक्टर्स आपको मूवी के अंदर नजर आएंगे उनकी परफॉर्मेंस से आप बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे और मूवी का स्क्रीन प्ले आपको कहीं पर भी एंगेज नहीं रख पाएगा। तो दोस्तों अब यह आपके ऊपर है, आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी। मुझे तो ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 2/10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा सीन सबसे ज्यादा घटिया। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।